हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश सर फ्रॉम स्टडी वॉलेट। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट माना जाता है इशू ऑफ शेयर, जो हम लोग सीए में 12 सीबीएसई में और साथ में बीबीए या फिर कहीं पे एमबीए में भी होता है। तो दोस्तों, इशू ऑफ शेयर के जो आज हम टर्म डिस्कस करेंगे, वो टर्म क्या है एक्चुअली, ट्रीटमेंट हमें आपको सिखाने वाला हूं। बहुत बार बच्चों का सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि एंट्री कैसा होगा और कुछ कैलकुलेशंस कैसे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं, ये चैप्टर पूरा एंट्री तो एकदम नॉर्मल है, हर चैप्टर हर क्वेश्चन में आपको एंट्री कॉमन मिलेगी। मतलब कि अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं, तो इस चैप्टर में ओवरऑल 10 से 11 एंट्रीज ओवरऑल मैक्सिमम जाती है, 10 11 12 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। मतलब हर क्वेश्चन में सेम एंट्रीज होने वाली है। तो फिर दोस्तों, दिक्कत कहां जाती है बच्चों को, दिक्कत कहां जाती है, दिक्कत होती है कैलकुलेशंस में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आपको इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज और साथ में उसके जो कैलकुलेशंस होते हैं कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है, ये सारी चीजें हम लोग सभी डेमोंस्ट्रेशन वीडियो में सीखने वाले हैं। और ये दोस्तों, ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में। तो ये बार बार आप वीडियो अगर आप देखते हैं, तो आपको इसके अंदर एक्सपोजर मिलेगा कि एंट्री को किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम इशू ऑफ शेयर, राइट। अब इशू ऑफ शेयर के एक छोटा सा मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको एंट्री समझाते हुए जा रहा हूं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है इशू ऑफ शेयर में कि हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, तो हमको बताया रहता है कि कंपनी ने क्या किया। तो कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर्स, 10,000 लेते हैं दोस्तों, छोटे शेयर्स ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया और एक शेयर 10 रुपए का है। तो अब डिपेंड करता है कि कंपनी को एप्लीकेशन कितने की आ रही है। तो सपोज अगर एप्लीकेशन 8,000 की आ रही है, तो दैट्स क्लियर कि हम लोग पूरा क्वेश्चन 8,000 रुपए से कैरी करेंगे, राइट। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ उन नए बच्चों के लिए जो यहाँ मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, जिनको इशू ऑफ शेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उसके लिए फिर मैं एक दो लाइन बोल देता हूँ, तो उसके हिसाब से फिर हम इस चैप्टर की थीम को पकड़ के चैप्टर सीख लेते हैं, ओके। तो दोस्तों, ऐसा है कि कंपनी को जब पैसे चाहिए होता, तो फाइनेंस करने के लिए कंपनी मार्केट में शेयर बेचती है। तो शेयर बेचने के लिए कंपनी आरओसी से परमिशन लेती कि वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचे। तो आरओसी उनको परमिट करेगा एक्स वाई जेड नंबर ऑफ शेयर्स, कितने आप शेयर बेच सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि आरओसी ने मुझे 25,000 शेयर्स के लिए ऑथराइज कर दिया, यानी उन्होंने मुझे परमिट कर दिया। तो उस हिसाब से मैं 2.5 लाख शेयर्स, 2.5 लाख रुपए का कैपिटल मार्केट से कलेक्ट कर सकता हूं। यानी कि ये कंपनी, मेरी कंपनी 25,000 शेयर मार्केट में बेच सकती है। लेकिन दोस्तों, डिपेंड करता है कि परमिशन लेने के बाद आपको ओवरऑल 25 शेयर बेचने हैं या फिर उससे कम, उससे ज्यादा तो आप बेच ही नहीं सकते। तो उससे कम यानी कि जैसे 10,000 शेयर मेरी कंपनी बेचना चाहती है, तो क्या ये हम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर में आ जाता है कि उनको किस वक्त और कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो अपने शेयर को इश्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे हमारी कंपनी डिसाइड कर रही है कि हम 10,000 शेयर्स को मार्केट में बेचेंगे आफ्टर गेटिंग परमिशन ऑफ 25,000 शेयर्स। तो कंपनी डिसाइड कर रहा है कि 10,000 शेयर्स को बेचने हैं। तो दोस्तों, होता है क्या इसमें कि 10,000 की आपने बेचने निकाला, आपने एडवर्टीजमेंट दे दिया, आपने प्रोस्पेक्टस बना लिए, आपने लोगों को इन्वाइट कर दिया एप्लीकेशन करो, तो आपने डेट भी ऑफर कर दी कि इस डेट के बीच में आपको एप्लीकेशन करनी है। तो दोस्तों, डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है या सेम आ रही है, राइट। तो जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब, पार सब्सक्राइब एंड अंडर सब्सक्राइब। ओवर मींस ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाना, जस्ट लाइक 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, मान के चलते हैं कि लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी, तो सारी एप्लीकेशंस मिला के ओवरऑल 15,000 सर्टिफिकेट्स के लिए डिमांड आई है, लेकिन मुझे तो 10,000 ही बेचने। तो कंपनी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या करेगा, तो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, लेकिन बेचेंगे तो सिर्फ 10 ही, क्योंकि आपने आरओसी से 25 का परमिशन लिया, बेचने का 10,000 का वादा किया, तो 10,000 से ज्यादा आप नहीं बेच सकते, क्योंकि आपकी एडवर्टीजमेंट 10,000 की थी। तो जो 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आपको आई है, तो आप उसमें आपके पास दो ऑप्शन है कि एक तो आप 5,000 शेयर्स वापस कर दो, या फिर आप उस 5,000 शेयर्स के एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे अपने पास रख कर 10,000 शेयर्स के अमाउंट ड्यू के अंदर उसको फ्यूचर में एडजस्ट कर दो, जिसको हम प्रोराटा केस बोलते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मैं बीच में क्वेश्चन की डिस्कशन में इसके ऊपर आऊंगा और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वर्डिक्ट। अब आते हैं दूसरा, अगर सपोज शेयर्स 10,000 हम बेच रहे और एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर्स की आ रही है, तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, पार सब्सक्राइब, इसको पार सब्सक्राइब बोलते हैं। दूसरा केस कि अगर 10,000 शेयर आप बेच रहे हो, तीसरा केस, सॉरी, 10,000 शेयर आप बेच रहे हो और आपको एप्लीकेशन आ रही है मान लो 8,000 की,
तो क्या दोस्तों अब कंपनी इशू कंटिन्यू करेगा? जी हाँ, कंपनी 8000 शेयर से कंटिन्यू कर लेगा, लेकिन दोस्तों एक रूल है एक्चुअली बुक में कि एटलीस्ट 90% शेयर शुड बी सब्सक्राइब्ड, यानी 10000 शेयर आप बेच से निकाल रहे हो तो आपको 90% तक के शेयर की एप्लीकेशन आनी चाहिए, यानी कि 9000 तो आपका इशू वैलिड कहलाता है और आप लोग उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 90 के बिलो एप्लीकेशन आ रहा है तो आप उसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, आपका इशू उसी वक्त इनवैलिड हो जाता है यानी कैंसिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो प्रैक्टिकल लाइफ की प्रैक्टिकल बातें हैं, राइट? किताब वाली लाइफ में अगर मैं जाता हूं तो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं उस एग्जाम में अपने को ये 90% वाला रूल है ना सोचना नहीं है, क्योंकि नॉर्मली वो सब कुछ सेट करके आपको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। इसका मतलब ये है यू शुड प्रोसीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इवन इफ यू आर रिसीविंग द एप्लीकेशन लेसर देन 90%। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर तीन चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि मोर एप्लीकेशन, फार एप्लीकेशन, लेस एप्लीकेशन, राइट? तो दोस्तों अभी एंट्री कैसे करना है तो उसके लिए मैं जो टर्म सिखा रहा हूं आप मेरे साथ बने रहिए और ये टर्म्स देखिए, मैं जो सिखा रहा हूं उसको सीखे, इसकी एंट्रीज होगी कैसे। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, इस एग्जांपल में हमने 10000 शेयर्स बेचने के लिए निकाले हैं और हमको मान लेते हैं एप्लीकेशन भी 10000 शेयर्स की आई है, तो फिर 10000 शेयर्स अगर मेरी कंपनी बेच रही है और ये रेट से बेच रही है कितने के, 10 रुपए के रेट से बेच रही है, तो दोस्तों होता है कि हमारे क्वेश्चन में बताया जाता है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए और उसके बाद फर्स्ट कॉल पे मान लेते हैं 2.5 रुपए, सेकेंड कॉल पे मान लेते हैं 2.5 रुपए। जो हमारे न्यू यूजर्स हैं इस वीडियो के, जो इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको बता दूं मैं, ये इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा इशू ऑफ शेयर का लेती है, तो उस हिसाब से ओवरऑल 10 रुपए कंपनी ऐसे मांग रही है। तो कभी कभी कंपनी 10 नहीं 15 मांग सकती है, 12 मांग सकती है और 8 भी मांग सकती है, डिपेंड करता है सर कंपनी का जो मतलब शेयर को क्या रेट से इशू करना उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ की वैल्यूज क्या होगी। ओके, तो अभी हम तो वैल्यूज पे ज्यादा डिसीजन नहीं कर रहे, हम लोग एंट्री सीखने वाले हैं तो उस एंट्री को मैं सिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने जो 4 हेडिंग को सर्कल करा हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि 8 एंट्री हो गई, कितनी 8, अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री तो इसी की हो जाती है, तो मतलब ओवरऑल फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12 क्या है, तो वो है दोस्तों कि कोई शेयर होल्डर अगर शेयर के पैसे नहीं भरता तो उसके शेयर फॉरफिट यानी जब्त हो जाते हैं और फॉरफिट करने के बाद वो शेयर्स को मार्केट में हम रीइशू करते हैं और रीइशू करने के बाद वो शेयर का जो पैसा बचा होता है हमारे पास जब्त किया हुआ फॉरफिट किया हुआ उसको हम कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये 3-4 एक्टिविटीज में हमको 4 एंट्री करनी होती है, राइट? दिस इज व्हाट कि 8+4 देन कि 11 तक आपका चैप्टर मतलब एंट्री जा सकता है, एंट्री 11-12 तक जा सकता है, जैसे मैंने बोला आपको 11-12 एंट्री होगा। ओके, तो दोस्तों देखते हैं अभी हम लोग ये इंस्टॉलमेंट में एंट्री कैसे करना है और इसमें दोस्तों साथ में हम लोग ये भी कैसे सीखने वाले हैं कि अगर किसी बंदे ने पैसे बीच में नहीं भरे और किसी बंदे ने अगर एडवांस भर दिए, राइट? तो दोस्तों ये भी टर्म्स हम लोग इशू ऑफ शेयर के इस वाले टॉपिक में कवर करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों मैं क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करवा रहा हूं कि टॉपिक में कौन से टॉपिक किस केस को लेकर किस टाइप से एंट्री हमको करनी है, एंट्री को कैसे याद रखना है। तो दोस्तों देखते हैं, हैव अ लुक फॉर द एंट्री फर्स्ट। तो सर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी एप्लीकेशन करती है, तो रिमेंबर ऑलवेज कि जब हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एंट्री करना है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी जब एप्लीकेशन रिसीव करती है तो सबसे पहले लोगों के पास एप्लीकेशन आती है, हमारे पास लोगों की एप्लीकेशन आएगी तो हम क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमारे पास लोग पहले पैसा भरेंगे, पहले अप्लाई करेंगे, पहले पैसे भरेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किसको शेयर्स बांटने और किसको नहीं, और जिसको नहीं बांटे उसके शेयर के पैसे वापस हो जाते हैं और जिसको बांटे गए इट्स ओके, उन्होंने तो पैसे भर दिए। तो पहले दोस्तों एप्लीकेशन का पैसा आता है, इस वजह से हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। और यहाँ याद रहे दोस्तों, अभी इस केस में तो मान लेते हैं कि हम 10000 की एप्लीकेशन आ रही है तो हम उसको 10000 से इंटू करेंगे, वो भी 2 रुपए से, दिस वन इज, ये जो होता है ना पर शेयर रेट होता है, एक शेयर के ऊपर में रेट होता है पर शेयर, राइट? दिस इज व्हाट। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, 10000 शेयर कंपनी की एप्लीकेशन आई है मान लेते, क्योंकि हमने बेचे भी 10 और आए भी 10, तो दूसरी तरफ से कंपनी को 2 रुपए यानी कि 20000 रुपए मिलेंगे। मान लेते अगर 15 की एप्लीकेशन आती तो यहाँ पे 15x2 हो जाता, 8 की एप्लीकेशन आती तो यहाँ पे 8x2 हो जाता, डिपेंड कि आपको ओवर सब्सक्राइब हो रहा है या पार सब्सक्राइब हो रहा है या अंडर सब्सक्राइब, कुछ नहीं बोला है, तो जितने शेयर आपने पैसे निकाले मान ले रहे हैं कि उतनी की एप्लीकेशन आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हमको पैसा एप्लीकेशन का मिल रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे और वो भी 20000 रुपए से। तो दोस्तों ये हुआ हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन का एंट्री, इसमें क्या किया मैंने, पैसा आया इसलिए बैंक में आया, बैंक को डेबिट कर दिया
और एप्लीकेशन के नाम से आए इसे एप्लीकेशन को क्रेडिट दिया। एप्लीकेशन यहाँ इनकम नहीं है, एप्लीकेशन यहाँ टेम्पररी अकाउंट है। मैंने इसको यहाँ पे जस्ट क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि वो पैसा मैंने जमा रखा हुआ है अकाउंट में, मतलब जमा यानी क्रेडिट, क्रेडिट यानी जमा, उसको क्रेडिट कर दो, मतलब उसको रिजर्व रख दो। बड़ी सर, अब ये पैसा एप्लीकेशन का हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल। दोस्तों एक्चुअली ये कैपिटल में ट्रांसफर क्यों होता है, उसका आंसर दे दो। ओवरऑल जितने भी पैसे हम मांग रहे हैं ये किस चीज के पैसे? कैपिटल के पैसे। तो इसका हर एक पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए। तो ओवरऑल 10 रुपए पूरे कैपिटल अकाउंट में जमा हो जाने चाहिए। इसके लिए हम लोग स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम पैसे भी स्टेप वाइज मांग रहे हैं। तो धीरे धीरे हर स्टेप का पैसा कैपिटल में जाएगा। बड़े तो ओवरऑल मोटो क्या है? कैपिटल कलेक्ट करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है, कैपिटल को मैनेज करना है। दैट इज ऑल अबाउट द इशू ऑफ शेयर अकाउंटिंग। ओके, तो पहली एंट्री मैंने आपके सामने करी है कि बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जो दोस्तों फर्स्ट टाइम पढ़ रहे इशू ऑफ शेयर को मैं बता दूं, यहां पे नरेशन लिखा जाता है। उस नरेशन में लिखना होता है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला है तो मेंशन कर दीजिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो दोस्तों ये हुआ फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन। नाउ सेकंड एंट्री फॉर एप्लीकेशन। जैसे कि ये मिला है, अब मैं इसको ट्रांसफर करने वाला हूं। तो दोस्तों देखो ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो जो एप्लीकेशन जमा था उसको यहां पे डेबिट कर दो, यानी एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा अभी, क्योंकि यहां क्रेडिट था मैंने उसको यहां डेबिट कर दिया। अब ये पैसे को मैं सीधा सीधा कहां ट्रांसफर करने वाला हूं? कैपिटल। तो मैंने दोस्तों यहां लिख दिया शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने हजार से? 20,000 से। तो दोस्तों ये होगी हमारी दो एंट्री एप्लीकेशन को लेकर। दोस्तों यहां पे एक और चीज हो जाती है कभी कभी, तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन फिर अभी भी हिंट दे देता हूं क्या चीज होती है। दोस्तों क्या होता है कि यहां पर आपको 15,000 की एप्लीकेशन आ जाती, तो आप एंट्री 15,000 इंटू 2 से कर देते, लेकिन आपका इश्यू तो 10 का ही है, तो 15 की एप्लीकेशन आई तो फिर कैसे करेंगे? तो दोस्तों कुछ नहीं करते, ये 15,000 शेयर का जो पैसा होता है ये यहाँ पे डेबिट करते हैं, और 10,000 शेयर का पैसा कैपिटल में डालकर 5,000 शेयर का पैसा रिजेक्ट कर देते, यानी कि टू बैंक के नाम से उसको रिफंड यानी कि वापस कर देते, यानी यहाँ पे टू बैंक लिख दिया जाता है और इस तरीके से रिफंड भी हो जाता है। तो इसमें केस आएगी प्रोवर्टा वाली केस, वो भी मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा। फिलहाल हम जनरल तौर पे एंट्री सीख लेते हैं कि होती कैसी एंट्री बेसिकली। तो दोस्तों ये है वन और ये है टू ट्रांसफर की एंट्री। तीसरी एंट्री में आते हैं दोस्तों शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट जो है डेबिट कैसे होगा? सबसे पहले क्या होता है शेयर अलॉटमेंट में, हम इसको पहले पैसा मांगते हैं यानी कि ड्यू करते हैं। व्हाट इज दिस अलॉटमेंट अबाउट? अब लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब लोगों की एप्लीकेशन आ गई, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा किस किस को शेयर्स बांटे। ओके, तो उसके लिए कंपनी डिसाइड करेगी कि हाँ इसको बांटे, इसको बांटे, इसको बांटे, इसको बांटे, सबको कैसे, राइट? फिर उसको सबको लेटर सेंड कर देगी कि आपको शेयर अलॉट हो गए, बधाई हो आपको शेयर अलॉट हो गए। अब जब आपको शेयर अलॉट हो गए तो आप पैसे भी भरिए अलॉटमेंट के। तो कंपनी यहाँ देखना चाहती है कि जिन जिनको कंपनी, जिन जिन लोगों ने अप्लाई किए थे उन लोगों को कंपनी शेयर अलॉट करने के बाद वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं शेयर सर्टिफिकेट मांगने के लिए। अगर हाँ मांगने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे तो पैसे भी पे करेंगे अलॉटमेंट में। तो दोस्तों यहाँ पे अलॉटमेंट में पैसा आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग अलॉटमेंट पे पैसा ही नहीं भर पाते, आई मीन उसे अप्लाई कर देते हैं शेयर अलॉट करने के बाद वो पैसे नहीं भरते। तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ सर्कमस्टेंसेस आती है कि कोई शेयर होल्डर होता है जो शेयर के पैसे नहीं भरता। ओके, तो लेकिन दोस्तों अभी एंट्री करनी है, ट्रीटमेंट करनी है, ट्रीटमेंट अलॉटमेंट की कैसे होगी, राइट? तो चलो देखते हैं, अभी मैं समझाता हूँ ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों याद रखिए एप्लीकेशन की केस में आपने सबसे पहले पैसे रिसीव किए, फिर उसके बाद आपने उसको ट्रांसफर किया, लेकिन अलॉटमेंट में पैसे रिसीव नहीं होते, पहले पैसे ड्यू होते हैं। बोले कैसे? क्योंकि किस किस ने अप्लाई किया आपके पास पूरी लिस्ट है, और आप लोगों ने किस किस को शेयर अलॉट किया उसकी लिस्ट आप बना लोगे, तो जिनको आपने अलॉट किया उनको आप लेटर भेज दोगे, इसका मतलब उनके नाम से उतने पैसे ड्यू कर लो, फिर वो जब भरेंगे तब वो हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट अकाउंट से। तो दोस्तों एंट्री पहले पैसे मिलने की नहीं होती अलॉटमेंट में, पहले पैसे ड्यू होते हैं फिर उसके बाद वो रिसीव होते हैं। तो अलॉटमेंट में आपको ये चीज याद रखनी है, एप्लीकेशन में पहले पैसे मिलते हैं, अलॉटमेंट में पहले पैसे ड्यू होते हैं, राइट? तो दोस्तों देखो ड्यू कैसे होते हैं, हमको ड्यू करना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा कितने से होंगे? देखो दोस्तों एप्लीकेशन अगर आपको 10,000 के ऊपर की, अगर 15 की आती है तो 15 से ड्यू नहीं होता, ड्यू हमेशा आपके इशूड शेयर से होता है कि आपने कितने शेयर इशू करे थे। इनकेस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन तो अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर से होगा क्योंकि उतने ही शेयर आपको बेचने हैं इसलिए, लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है तो आपके सिर्फ और सिर्फ इशूड नंबर ऑफ शेयर से ही होता है।
तो अलॉटमेंट हम लोग यहाँ पे 10,000 शेयर से करेंगे। तो 10,000 शेयर का अलॉटमेंट रेट क्या है, यहाँ पे 3 रुपए का रेट है अलॉटमेंट का, यू कैन सी दिस। तो 10,000 × 3 मतलब बेटा 30,000 हो गया। उसके बाद ये अलॉटमेंट का पैसा उसी वक्त शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। अब आप सोचेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, उसी वक्त पैसे तो मिले ही नहीं, तो ट्रांसफर क्यों हो रहा है? दोस्तों क्या होता है, कंपनी को कंफर्म है कितने लोगों को शेयर अलॉट होने वाले हैं या हो गए हैं, उनको लेटर भेज दे तो कंपनी को कंफर्म है कितने रुपए मिलने वाले हैं। हाँ ठीक है, नहीं मिले तो बाद में एडजस्ट हो जाते हैं कैपिटल अकाउंट में से, यानी अभी फिलहाल ट्रांसफर करके रख दो, प्रोसीजर ऑफ अकाउंट, अभी फिलहाल ट्रांसफर करो, बाद में नहीं मिले तो एडजस्ट कर देंगे। तो फिलहाल एंट्री ऐसी बनेगी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ और अलॉटमेंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं तो इट बिकम्स अ जनरली एंड टेम्पररी असेट्स, और ये लाइबिलिटी हमारे पास फंड जमा हो रहा है, दैट विल बी द कैपिटल ऑफ फ्यूचर, लाइबिलिटी ऑफ फ्यूचर, तो इसलिए हम इसको कैपिटल में फिलहाल जमा करके रख रहे हैं। और दोस्तों याद रखना पूरे ट्रांजेक्शन में कैपिटल क्रेडिट ही करना है, डेबिट नहीं होना है। डेबिट एक ही जगह होता है जब वो शेयर फॉरफिट होते हैं, अदरवाइज पूरे चैप्टर में कैपिटल सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट होता है, क्योंकि वो कैपिटल जमा हो रहा है, दैट विल बी अ फ्यूचर लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी ऑलवेज बी क्रेडिट इन द बुक। When you create a new liability as per the modern rule of account, you need to credit the liability always. तो आपको liability credit करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको credit कर रखा हुआ है। This is the entry for due. Number 4 पे आते हैं। तो दोस्तों अभी due करने के बाद क्या होगा? Common sense है। पैसे मिलेंगे। किस चीज़ के allotment के? तो आपको यहाँ ये नहीं देखना है question में कि सारे लोगों ने भरे हैं क्या? अगर किसी ने पैसे नहीं भरे, तो फिर कैसे adjustment करेंगे? तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। Simple. आप सबसे पहले अगर आपको सभी लोग पैसे दे रहे हैं तो हम लोग बैंक अकाउंट वैसे भी डेबिट बोलने वाले हैं, क्योंकि पैसे तो मिल रहे हैं। तो आप डिपेंड जितने शेयर्स पे आपको मिल रहे हैं उतने शेयर से आप लिख दो, तो इनटू यहां पर अलॉटमेंट का जो रेट है 30,000, मान लेते कि आपको एप्लीकेशन का मतलब अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल गया, सारे लोगों ने पैसा दे दिया, तो फिर अलॉट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दोस्तों किस चीज पे पैसा मिला है आपको? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। जो अलॉटमेंट आपने यहाँ डेबिट कर रखा हुआ है उसको आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्योंकि आपको सारे पैसे मिल गए। ओके, अब मान लेते दोस्तों कि कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, 10,000 में से 1,000 लोगों ने पैसे नहीं दिए, मतलब 1,000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, तो क्या एंट्री कैसे बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे 9,000 × 3, यानी यहाँ पे आएगा 27,000, और जो 1,000 शेयर पे आपको पैसे नहीं मिले, दैट इज 1,000, तो उसको हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कॉल दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग कॉल दैट इज 1,000, आउटस्टैंडिंग कॉल अकाउंट डेबिट 1,000 × 3 दैट इज 3,000, आउटस्टैंडिंग यहाँ दिखाते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं तो ये जनरल एंट्री लिख रहा हूँ, फिलहाल सारी एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर में जो भी चेंजेस आएंगे मैं आपको साइड बाय साइड चेंजेस बता दूंगा। इस वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, डोंट वरी, बस स्टे विद देयर एंड जस्ट सी कि हम आगे आगे क्या डिस्कस करते हैं। आई विल क्लियर आउट योर ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट इश्यू ऑफ शेयर, स्पीड एयर ऑन। ओके, तो देखो सर दोस्तों यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कॉल हम शो करके ऐसे उसको लिखते हैं 3,000, और ये अलॉटमेंट वैसे ही होगा। फिलहाल हम मान रहे हैं कि देर इज नथिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब पूरे पैसे मिल गए, तो पूरे पैसे मिले तो इस तरीके से एंट्री हम करेंगे। क्लियर नाउ? अब अगर हम नेक्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो दोस्तों अभी इस फर्स्ट कॉल में हम एंट्री कैसे सीखेंगे, ठीक है? अब वो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां आ जाते हैं थोड़ा सा नंबर 5 पे, इधर नंबर 5। तो यहां पर क्या होगा, राइट? यहां एंट्री अभी हम लोग फर्स्ट कॉल की कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल को अभी पहले यहां पे ड्यू कर लेंगे हम लोग। तो वहां पे वन सेकंड बोलेंगे हम फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फिर वही बात 10,000 शेयर से ड्यू होगा और रेट है उसका 2.5, मतलब उस हिसाब से 25,000 रुपए का आपका फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है, और उसको क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट से, तो दैट इज 25,000। तो दोस्तों ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल ड्यू। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर 6 नंबर पे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद अब फर्स्ट कॉल आपको मिलेगा, व्हाट इट मिलेगा, तो मिलेगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां मैं लिखाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिपेंड करता है कि आपको सारे लोगों ने पैसे दिए क्या। अगर आपको सारे लोगों ने पैसे दिए हैं तो आप बोलेंगे 10,000 × 2.5 बैंक अकाउंट डेबिट। तो सो एक चेंज कर लेते हैं, अभी सीख लेते हैं एक छोटी सी चीज। मान लेते हैं कि किसी एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होता है
इशू ऑफ शेयर के चक्कर में मैक्सिमम तरह ऐसा होता है कि कोई एक बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा होता, तो हम लोग उसी को कंसीडर करके इस एंट्री को सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहां मान लेते हैं कि 10,000 में से 9,000 लोगों ने पैसे दे दिए, मतलब 9,000 शेयर पर पैसे मिल गए, शेयर्स पे, दिस इज नॉट द लोग, दिस इज शेयर्स, ओके, 9,000 शेयर्स पर पैसे मिल गए इंटू ढाई। तो दोस्तों अभी अगर इसको करेंगे इंटू ढाई तो अभी ये किसका, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, ठीक है, हो जाएंगे 18,000 देन 4.5 50 4.5 ओके 18 4.5 2,500 होता है दोस्तों ये। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद यहां पर हम लोग लिखते हैं आउटस्टैंडिंग कॉल। मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूँ इसको आउटस्टैंडिंग कॉल की जगह कॉलिंग एरियस भी बोलते हैं हम लोग, कॉलिंग एरियस। तो कॉलिंग एरियस में भी हम यहाँ लिख सकते हैं, तो 1,000 × 2.5 मतलब ये हो जाएगा 2,500, कितना होगा दोस्तों 2,500। तो ये ड्यू क्यों हो गया, डेबिट क्यों हो गया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, मिलने वाला है, तो मिलने वाला है इसका मतलब ये हमारी असेट है। अगर ये हमारी असेट है तो ये हम यहाँ पर डेबिट दिखाएंगे एज पर रूल, असेट्स ऑलवेज डेबिटेड, असेट ऑलवेज डेबिटेड। तो देखो बैंक डेबिट, आउटस्टैंडिंग कॉल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद क्रेडिट क्या होगा दोस्तों, तो क्रेडिट होगा फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल मतलब यहां पर आपका ड्यू हो गया था, अब यहाँ पे आपको क्या होगा, रिसीव्ड होगा, मतलब रिसीव्ड हो चुका है, तो फर्स्ट कॉल कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों कैंसिल कितने से करना है अपने को, 25 से करना है, तो उसको क्रेडिट करेंगे 25,000 से, इस तरीके से एंट्री होगी दोस्तों, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट कॉल का कॉन्सेप्ट। अब सेकेंड कॉल पे आते हैं, सेकेंड कॉल का कॉन्सेप्ट कैसे होगा, तो सेकेंड कॉल की कॉन्सेप्ट में क्या करना है, फिर वही बात, फिर वही कॉल और फिर वही ड्यू, राइट। अब सबसे पहले अभी हम ड्यू करेंगे, दैट इज यहां पर आएंगे 7 नंबर, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट कर देंगे, विल से द सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से आएगा दोस्तों ये, 10,000 × 2.5, तो ये हो जाएगा 25,000, 25,000 सेकेंड कॉल ड्यू हो गया, मतलब पैसा मिलने वाला है। ड्यू करते हैं तो हमेशा उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ड्यू करते वक्त ही ये पैसा हम कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, यू गॉट इट सर। तो ये इस तरीके से ड्यू करके उसको कैपिटल में ट्रांसफर, मान लेते हैं कि अब अगर सेकेंड कॉल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद इनके शेयर किसी के फॉरफिट हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एक्स नाम का पर्सन है जिसके 1,000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोस्तों नहीं भरा, तो अभी सेकंड कॉल के बाद हम अभी फॉरफीचर करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी रहती है कि आफ्टर सेकंड कॉल मिस्टर एक्स शेयर्स आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो दोस्तों ये सेंटेंस बोल दिया, मतलब हमारे लिए एक पत्थर की लकीर होगी कि हमको अभी फॉरफिट तो करना ही है और उसकी एंट्री करना है। तो दोस्तों फॉरफीचर एक्चुअली होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि फॉरफीचर होता क्या है। दोस्तों क्या होता है कि आपने एप्लीकेशन के पैसे मांगे थे, दे दिए उन लोगों ने, अलॉटमेंट दे दिया उन लोगों ने, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सिर्फ मिस्टर एक्स ने नहीं दिया, मतलब बाकी लोगों ने पैसे भर दिए, मिस्टर एक्स को बोला था फर्स्ट कॉल भरिए, तो उन्होंने लेटर का रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर उन्होंने कहा वेट किया, कंपनी ने वार्निंग लेटर दिया, फिर भी पैसे नहीं भरे, फिर हमने फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल मांगा, फिर भी उन्होंने मान लेते पैसे नहीं भरे, तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया है कि इस बंदे के शेयर्स को फॉरफिट कर दो। फॉरफिट मतलब उसकी मेंबरशिप छीन लो, यानी उसके शेयर्स कैंसिल कर दो। लेकिन दोस्तों उसका क्या, कि उसने जो एप्लीकेशन भरा था, उसने जो अलॉटमेंट के पैसे भरे थे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, 2 rupees 3 rupees, यू नो, तो ये दो पैसे उसने भर दिया हुआ है, इसका क्या, ये तो कंपनी रख लेगी, क्योंकि कंपनी अब उनके पैसे रिफंड नहीं करेगी। रीजन, क्योंकि उसने कंपनी का जो मेंबरशिप का था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो ब्रीच किया है, ब्रेक किया है, इसलिए कंपनी ये 2 और 3 टोटल 5 रुपए अपने ही पास रख लेगा और उसका अपना फंड बना देगा। क्या बना देगा दोस्तों, फंड। तो इसी को फंड बनाने की प्रोसेस, उसकी मेंबरशिप कैंसिल करने की प्रोसेस ओवरऑल फॉरफीचर की एंट्री में आता है, राइट। तो दोस्तों देखो फॉरफीचर की एंट्री अभी हम कैसे करेंगे, आफ्टर सेकेंड कॉल, राइट। तो दोस्तों फॉरफीचर में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले शेयर कैपिटल आप डेबिट कर दो जिस बंदे के आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो। आप किसके शेयर फॉरफिट कर रहे हो, मिस्टर एक्स के। कितने शेयर थे दोस्तों उसे, 1,000 शेयर थे, तो आपने 1,000 फॉरफिट किए। अब मेरे यहाँ पे वीडियो में मेरे साथ जो दोस्त बैठे हैं, जो वीडियो मेरे देख रहे हैं, वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, दोस्तों कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, राइट।
आपका क्वेश्चन वैलिड है, उसका आंसर सुनिए। कैपिटल दोस्तों इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि मैं उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर रहा हूं। ही इज नो मेंबर, नो मोर मेंबर इन माय कंपनी, ही इज नॉट अ शेयर होल्डर इन कंपनी नाउ, तो कंपनी नीड टू कैंसिल हिज कैपिटल, राइट? क्यों? क्योंकि हमने जब एप्लीकेशन का पैसा मैंने मिटा दिया दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एंड यहाँ पे हमने लिखे थे, तो हमने जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किए थे तो रिसीव करके वो पैसे कैपिटल में ट्रांसफर किए थे। जब हमने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किए थे तब हमने पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किए थे। जब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किए थे तब भी हमने पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किए थे ड्यू के वक्त, याद करिए आप ड्यू के वक्त। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो में आप रिकॉल करिएगा तो आपको दिख जाएगा कि वहां पे हम लोगों ने हर स्टेज में कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया है, इन एप्लीकेशन, इन अलॉटमेंट, इन फर्स्ट कॉल एंड इन सेकेंड कॉल, राइट? तो दोस्तों हमने चारों बार जब जब कॉल किए थे और जब जब वो टर्म आए थे तो हमने उसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किए थे, वेदर ही हैज पेड और नॉट। और जैसे मैंने आपको बोला था कि कैपिटल में पैसा पहले ट्रांसफर कर दो, भरा है या ना भरा सेकेंडरी बाद में देख लेंगे, एडजस्ट हो जाता है। तो दोस्तों बारी आ गई एडजस्ट करने की, यानी मिस्टर एक्स के जो 1000 शेयर के पैसे थे आपने जो कैपिटल में अब तक ट्रांसफर कर चुके थे वो कैपिटल का पैसा कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए दोस्तों अकाउंट में क्या करते हैं, तो डेबिट अकाउंट को कैंसिल करना है तो उसको क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट अकाउंट्स को कैंसिल करना है तो उसको डेबिट करो। दैट्स द रूल ऑफ द अकाउंटिंग, सिंपल। व्हाट इज दोस्तों, तो जो कैपिटल अब तक क्रेडिट हो रहा था मैंने उसको डेबिट कर दिया। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो मैं अमाउंट लिखने वाला हूं वो फिलहाल अभी 10 रुपए लिखने वाला हूं। बहुत बार बच्चे यहां पैनिक हो जाते हैं, इसलिए मैं इस बारे में बार बार एक चीज क्लियर करता हूं कि यहां पर अभी मैंने 10 क्यों लिखे, और कभी मैं 8 भी लिख सकता हूं, कभी 6। अगर ऑप्शन है नो, सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से यहां पर कैपिटल डेबिट होगा। बोले कैसे सर? दोस्तों मेरी केस में मैं फॉर फ्यूचर सेकंड कॉल की बात कर रहा हूं, तो सेकंड कॉल मतलब मेरी केस में पूरे 10 रुपए कॉल होने के बाद फॉर फ्यूचर हो रहे, यानी मेरी केस में 10 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर में हो गए थे, यानी कैपिटल में ट्रांसफर हो गए थे। तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, फिर अभी जो 10 रुपए ट्रांसफर हो गए थे उसको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए मैं कैपिटल डेबिट करूंगा, राइट? लेकिन याद रखें कुछ क्वेश्चन में फॉर फ्यूचर कभी कभी अलॉटमेंट के बाद होता है, कभी फर्स्ट कॉल के बाद होता है, और कभी फाइनल कॉल के बाद होता है, जैसे मेरी केस में हुआ है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आपका शेयर्स यानी मिस्टर एक्स का शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो रहा है तो फिर आप कैपिटल कितने से डेबिट होगा, जितना रुपया अभी तक आपने मांगा था। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये टर्म आपके लिए परमानेंट काम करेगा कि जिस सिचुएशन के बाद फॉरफिट हो रहा है यानी कि जिस कॉल के बाद, उस कॉल तक जितना पैसा अब तक मांगा गया है उतने से कैपिटल डेबिट कर दो। जैसे अलॉटमेंट के बाद आप फॉरफिट कर रहे हो तो 5 रुपए से कैपिटल डेबिट कर दो, फर्स्ट कॉल के बाद अगर आप फॉरफिट कर रहे हो तो आप 7.5 यानी 7.5 रुपीज से डेबिट कर दो, और अगर फाइनल के बाद आप फॉरफिट कर रहे हो तो पूरे 10 रुपए से कैपिटल डेबिट कर दो, क्योंकि 200 जितना कैपिटल में क्रेडिट हुआ था उतना ही विड्रॉ करना है। दैट्स व्हाट द रूल इज अबाउट, करेक्ट? तो शॉर्टकट में मैं इसको बोलता हूं कॉल्ड अप अमाउंट। क्या बोलता हूं इसको मैं? कॉल्ड अप। तो मेरा कॉल्ड अप यानी अभी तक कितना कॉल्ड हुआ, नॉट पेड अप, नॉट पेड अप, ओनली कॉल्ड अप। तो जितना कॉल्ड अप हुआ था उतने से उसको डेबिट कर दो। तो 1000 × 10 दोस्तों 10,000 हो गया। अब आते हैं यहां पर फॉरफिटेड लेते हैं। अब एक अमाउंट लेते हैं यहां पे जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यानी इसको मैं शेयर फॉरफीचर बोलूंगा। शेयर फॉरफीचर दोस्तों क्या होता है, यानी शेयर फॉरफीचर क्या बोलूंगा, यानी जितना पैसा उन्होंने भरा उसको जब कर, यानी उसको शेयर फॉरफीचर नाम के अकाउंट बना के उसको उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो दोस्तों क्या है, 10 रुपए में से हमारे दोस्त ने यानी मिस्टर राम ने, मैंने आपको क्वेश्चन में एक ऐसा ही ऑब्जर्वेशन करके बताया केसेस कि मिस्टर राम ने एप्लीकेशन भरा है, अलॉटमेंट भरा है, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं भरा है, ऐसा मैंने बताया आपको, ये क्रिएटेड केस है मेरे। तो हम लोग सिर्फ क्रिएट सीख रहे हैं एंट्री कैसे करना है, ओके? तो मिस्टर राम ने अलॉटमेंट भरा, एप्लीकेशन भरा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं भरा, मतलब 5 रुपए नहीं भरे, 5 रुपए भरे, तो जो पैसे भरे
वो पैसे फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ओके, तो मतलब दोस्तों 10,000 रुपए, सॉरी 1,000 शेयर्स इंटू 5, यानी 5,000 रुपए इसके जब्त हो जाएंगे, वो फॉरफिटेड अकाउंट में चले जाएंगे। ओके, और जो पैसा उसने नहीं भरा है उसको हम आउटस्टैंडिंग कॉल्स के नाम से शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग कॉल क्रेडिट करेंगे। अब मेरे कुछ दोस्त बोलेंगे कि क्रेडिट क्यों हुआ सर आउटस्टैंडिंग कॉल, तो इसको मैंने 5 से क्रेडिट किया। दोस्तों इस एंट्री को समझने के लिए पहले दो टर्म समझ लेते हैं, टर्म नंबर 1 कि क्रेडिट क्या होता है और टर्म नंबर 2 कितनी अमाउंट से होता है, राइट। तो दोस्तों टर्म नंबर 1 में क्रेडिट क्या होता है, एक फॉरफिट जो पैसा भरा है वो क्रेडिट होता है और जो पैसा नहीं भरा है वो क्रेडिट होता है, राइट। तो जो भरा है वो फॉरफिटेड अकाउंट में जमा हो जाएगा, जमा मतलब क्रेडिट, क्रेडिट यानी जमा, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, फॉरफिट जमा कर दो। उसके बाद जो पैसा उसने नहीं भरा है उसको हम आउटस्टैंडिंग कॉल्स के नाम से क्रेडिट कर देंगे, जो पैसा हमने नहीं भरा है। ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये ठीक था है तो जमा हो रहा है, पर ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों आपने इसके पहले इसको डेबिट किया था। चलो मैं आपको दिखाता हूं, देखो दोस्तों आउटस्टैंडिंग कॉल जब किसी बंदे ने नहीं भरा होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं यहाँ पर, जब कॉल मांगते हैं उस वक्त अगर किसी ने नहीं भरा है। डेबिट क्यों करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि ये पैसा मिलने वाला है, इसलिए इसको ऐसा असेट हम यहाँ पे डेबिट दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप फॉरफिट ही कर रहे हो तो अब तो ये पैसा मिलने से रहा, तो इस अकाउंट को कैंसिल कर दे, क्या करते हैं दोस्तों इसको कैंसिल, यानी इधर डेबिट है तो इसको यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग कॉल अकाउंट क्लोज्ड, अब पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं क्योंकि शेयर फॉरफिट हो गया है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना फॉरफिटर की कोई भी एंट्री हो तो उसमें सबसे पहले कैपिटल डेबिट होगा, उसके बाद दो बातें क्रेडिट होगी, एक जो भर दी है और एक जो नहीं भरी है। जितने रुपए से पैसे भरे हैं उतना फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दो और जितना पैसा नहीं भरा है उतना आउटस्टैंडिंग कॉल के नाम से लिख दो। दोस्तों यहां पर एक छोटी सी और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, कभी कभी यहाँ प्रीमियम आता है, शेयर प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो जैसे मेरे दोस्त लोग अभी कुछ सोच रहे होंगे सर प्रीमियम आया तो क्या करते हैं, इसके बारे में मैं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा सा धीरे धीरे डिस्कशन में लेते हैं, सारे टॉपिक्स को सीख लेते हैं। प्रीमियम डेबिट कब होता है दोस्तों, जब आप अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम मांगते हो और सामने वाला अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम नहीं भरता है, तो ऐसे वक्त इस एंट्री में प्रीमियम यहां पे डेबिट होता है। फिर से एक बार दोस्तों क्लियर कर लो, जब आप अलॉटमेंट मांगते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंट्री, दोस्तों मिटा दिया मैंने, लास्ट बैंक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो अलॉटमेंट आप मांगते हो उस वक्त प्रीमियम पे मांगते हो और किसी ने प्रीमियम नहीं भरा है और उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो वो वाला प्रीमियम जो अलॉटमेंट के वक्त क्रेडिट करते हैं वो वाला प्रीमियम आप फॉरफिशर के एंट्री में डेबिट हो जाता है, क्योंकि इट वाज डमी अकाउंट, क्योंकि वहां पैसे आए नहीं थे, तो उसको यहां कैंसिल कर देते हैं और उसको कैंसिल करने के लिए प्रीमियम को यहां पे डेबिट करते हैं। और फॉरफिटेड वाली अमाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल का पैसा आता है, प्रीमियम यहां आ सकता है उस वाले एंट्री में, प्रीमियम इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो दोस्तों वो एंट्री पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि फॉरफिटर प्रीमियम विदाउट प्रीमियम दैट इज ओके। उसके बाद दोस्तों भी फॉरफिटेड शेयर्स मान लेते हैं कि रीच हो रहा है, यानी यही मिस्टर एक्स के 1000 शेयर्स रीच हो रहे हैं, तो दोस्तों भी रीच की एंट्री क्या होनी चाहिए, राइट। 9 नंबर मान लेते हैं कि हम लोग राम के मिस्टर एक्स के पूरे 1000 जो फॉरफिटेड किए हुए शेयर्स है वो बेच रहे हैं, यानी रीइशू कर रहे हैं। अब रीइशू मान लेते हैं आपकी कंपनी, यहां पे भी सिचुएशन है सर कि 10 का शेयर था आपका ओरिजिनल, तो आप 12 में बेच रहे हैं या आप 9 रुपए में बेच रहे हैं, इट इज डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो मैं दोनों केस आपको समझाता हूँ कि अगर हम 12 में बेचे तो क्या एंट्री करेंगे और अगर हम 10 में बेचे तो क्या एंट्री करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दो पार्टीशन में बता दूं एंट्री कैसे होगी। यहाँ पे हम मान लेते हैं 12 में बेच रहे तो, और यहाँ मान लेते हैं हम 9 में बेच रहे तो, दोनों में से कोई भी एक केस क्वेश्चन में आएगा। ओके, एक तो ज्यादा वैल्यू पे आप बेचेंगे या फिर आप कम वैल्यू पे बेचेंगे। मान लेते हैं कि आपने पूरे 1000 शेयर्स को 12 में बेच दिया, यानी 1000 × 12 रुपए, तो दोस्तों आपका ओवरऑल सेल 12,000 से हो गया, क्योंकि आपने 1000 शेयर बेचे किसके,
200x के, कितने रेट का था 10 का था, कितने में बेचा आपने 12 में, पैसे कितने आ गए आपके पास 12, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट कितने का 2 का, राइट। तो दोस्तों अभी बैंक अकाउंट डेबिट 12000 से होगा। टू शेयर कैपिटल, दोस्तों एक चीज याद रखना, इशू ऑफ शेयर का एक नॉर्मल रूल है कि जितने शेयर इशू थे उतने से एंट्री करना है और जितने रुपए का कैपिटल का फेस वैल्यू था उतने से ही कैपिटल क्रेडिट करना है। मतलब ये कि 10 का शेयर अगर है 12 में बेच रहे हो तो 12 कैपिटल में नहीं जाएगा, 10 रुपए ही कैपिटल में जाएगा। नाउ यू विल आस्क मी द क्वेश्चन, व्हाट अबाउट 2 रुपीस सर, सर अबाउट 2 रुपीस विल ट्रांसफर्ड इनटू द प्रीमियम because that is a separate figure we are receiving here, so we'll transfer that 2 rupees to the share premium account. So dosto yahan par 1000 into 10 yani yahan par 10000 rupees aayega aur jo 2 rupees ka premium tha usko hum log yahan pe security premium ya fir main share premium likh raha hu, SPR bhi bolte hai isko, security premium account ke naam se usko credit karenge. Fir se bhi credit kyun hua, kyunki it's a fund, it's a long term fund for the company, it's an internal fund for the company and fund always goes credit because that is a kind of jama kar rahe paise ko, isliye usko credit karte hain. To dosto ye ho gaya hamara reissue ka entry, kya hua reissue, right. Dosto abhi isi reissue ke baad, acha theek hai, ek reissue ke baare mein ek chote se entry mein bhavas bhul gaya hu, ye to theek tha, ye humne 12 mein becha, agar isko abhi 9 mein bechenge to kaise entry hogi, dekhte hain sir. अगर इसको मैं 9 में बेच रहा हूं तो क्या एंट्री होगी सर, केस में क्या चेंजेस आएंगे? तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 10,000 इनटू 9 रुपए, मतलब इस बार अपने को सिर्फ 9,000 रुपए हाथ में आएंगे। और दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि 10 का शेयर था 9 में बेच रहे, तो 1 रुपए का क्या हो गया लॉस। अब इस लॉस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है प्रीमियम तो प्रीमियम में गया क्योंकि 2 रुपए ज्यादा आगे थे, फंड मिल रहा था, फंड को क्रेडिट करते हैं, लॉस को क्या करते हैं? What we do in the account for the loss, we always use to debit the loss. You know well, you know. अब लेकिन loss यहाँ पर debit करने की बजाय दोस्तों इसको forfeited account में charge करते हैं। अब तो ये चीज मैं आपको पहले clear कर दूँ कि मैं यहाँ पे अभी एक account का इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ कैसे करने वाला हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ कि मैंने क्यों किया, right? यहाँ पे उसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग जो 1 रुपया है वो forfeited account में charge करेंगे, वहां से हम 1 रुपया निकालेंगे और उस पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, यानी 1000 इनटू 1 यानी 1000 और फिर क्रेडिट होता है यहां पे शेयर कैपिटल। समझा दो दोस्तों कि एंट्री हुई कैसे, राइट। अब ध्यान दीजिए 9 रुपए मुझे मिले तो मैंने बैंक डेबिट कितने से बोला 9 से, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला तो उसमें फिर से पर याद करो अच्छे से, मैंने बताया था कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है, कौन से वैल्यू से, फेस, चाहे आप ज्यादा में बेचो चाहे आप कम में बेचो आपको 10 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं एट एनी कॉस्ट। तो अब 1 रुपए की बात करते हैं, यहां तो 12 मिले ठीक है, 10 मिले थे कैपिटल में चले गए, 2 मिले थे प्रीमियम में चले गए, बट यहां पे तो कम मिल रहे, 1 रुपया कहां से आएगा? 1 रुपया ये जो पैसा आपने फॉरफिट किए थे एक्स का याद है 5000 रुपए, आपके पास उसके एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे याद है जो हमने यहाँ क्रेडिट किए थे 5000 रुपए, उस 5000 रुपए में से ये 1 रुपया निकाल लिया जाएगा, यानी कि फॉरफिटेड अकाउंट 1000 इनटू 1 यानी दोस्तों 1000 रुपए। निकालने का मतलब अकाउंट में क्या है? निकालने का मतलब यहां क्रेडिट हुआ था पैसा यानी जमा हो गया था तो यहां उसको डेबिट करना है यानी निकालना है, इज दिस क्लियर? तो मैंने जो क्रेडिट हुआ था पैसा उसको यहां मैंने डेबिट कर दिया है, तो ये पैसा निकालना हो गया, ये पैसा गया कहां एक्चुअली, निकालने के बाद गया कहां पे, राइट। तो दोस्तों देखो 9 रुपए आए थे बैंक में से डेबिट कर दिया, फॉरफिटेड डेबिट हुआ 1 रुपए से, तो टोटल 10 रुपए, 9 प्लस 1 पूरे 10 रुपए आपके कौन से अकाउंट में चले गए बेटा? कैपिटल अकाउंट में चले गए, कितने से चले गए? 1000 इंटू 10, तो 1000 into 10 that is 10,000 हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो दोस्तों ये हुआ आपका रीशू का एंट्री व्हेन यू सोल्ड योर शेयर्स एट 9 रुपीस, राइट, 9 रुपए में जब आपने बेचा था। अब दोस्तों रीशू के बाद क्या होता है? आई होप कि आपको रीशू भी समझ गया होगा, राइट, दोस्तों समझ गया होगा, राइट, आई होप सो। अब आते हैं रीशू के बाद एंट्री कौन सी बची, राइट।
चलो गौर से देखते हैं, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, एक चीज मैं आपको नोटिस करवाता हूँ, आप उसको वापस नोटिस करेंगे। दोस्तों कितने रुपए हमने एक्स के फॉरफिट किए थे? 5000। तो दोस्तों उसमें से हमने कितने रुपए रीशू के वक्त निकाल लिए थे? 1000। तो दोस्तों 5000 में से आपने 1000 निकाल लिए थे, तो अब बचे 4000। उसको अभी फॉरफिटेड के नाम से रखकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब शेयर फॉरफिटेड नहीं रहे, अब शेयर मार्केट में रीशू हो गए। तो अब ये धब्बा हटाना है, फॉरफिटेड को वहां से मिटाना है। तो दोस्तों अभी फॉरफिटेड अकाउंट को कैसे मिटाएंगे? यानी जितने रुपए फॉरफिटेड में बचे हैं उसको सीधा फंड अकाउंट यानी कैपिटल रिजर्व डाल दो। बोले सर दोस्तों कैपिटल रिजर्व क्यों सुना सर आपने, जनरल रिजर्व क्यों नहीं सुना, डेवलपमेंट रिजर्व क्यों नहीं सुना? दोस्तों क्या है ना कि ऐसे फंड्स को कैपिटल बेनिफिट होते हैं, क्योंकि ये फंड फॉरफिचर की प्रोसीजर में कंपनी को एज अ गेन मिल गया। अब ये 4000 का सरप्लस है कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म फंड बन गया, कैपिटल बेनिफिट बन गया, और सारे कैपिटल बेनिफिट्स कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं, उसी कैपिटल रिजर्व। तो दोस्तों इसलिए अभी हम ये फॉरफिटेड कैपिटल जो है इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो 4000 है सीआर में ट्रांसफर करेंगे। तो मेरे पास जगह अवेलेबल नहीं है, तो बोर्ड थोड़ा क्लियर कर देते हैं, और यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। दोस्तों देखो यहां पे फॉरफिटेड क्रेडिट है, तो मैं यहां पे उसको लाकर डेबिट कर रहा हूं। तो फॉरफिटेड या फॉरफीचर, फॉरफिटेड लिख देते हैं सर, फॉरफिटेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 204000 से, क्योंकि 5 में से 1 वहां चला गया, तो बचा 4 हम लोग अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और दोस्तों एक चीज नोटिस करिए, मैंने कैपिटल डेबिट किया हुआ है, क्यों? क्योंकि यहां पे वो क्रेडिट था, अब वो इसको यहां रखना नहीं है, तो उसको यहां से कैंसिल करना है, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं, तो डेबिट करके वो कैंसिल हो जाता है और कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर हो जाता है 4000 से। तो दोस्तों ये था आपका जर्नल एंट्री अबाउट द इशू ऑफ शेयर, राइट? लेकिन क्या ये खत्म हो गया है? नो, कुछ एक छोटी बड़ी केसेस है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जो मैंने जानबूझकर पेंडिंग रखी थी। दोस्तों ये छोटे छोटे बेसिक टर्म्स कॉलिंग एंट्रीज जो है मैंने आपके साथ शेयर किया, अब मुझे कुछ डिस्कस करना है कॉलिंग एडवांस को लेकर, कुछ डिस्कस करना है मुझे अलॉटमेंट में प्रीमियम को लेकर, और कुछ डिस्कस करना है मुझे प्रोराटा सिस्टम को लेकर। दोस्तों प्रोराटा सिस्टम के लिए तो मैं 101% एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ आऊंगा, सेपरेट वीडियो में हम प्रोराटा सिस्टम को समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 90% क्वेश्चंस आपके इशू ऑफ शेयर्स में प्रोराटा बेस्ड होते हैं, राइट? तो इसलिए इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनना मतलब वैलिड है, तो दैट्स व्हाई आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर दैट वन। बट फिलहाल अभी हम कॉलिंग एडवांस और प्रीमियम एडजस्टमेंट को सीख लेते हैं, राइट? दोस्तों देखो जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन के ऊपर पैसा मांगती, जस्ट लाइक पहला स्टेप में कंपनी एप्लीकेशन का पैसा लेती, फिर दूसरा स्टेप में कंपनी अलॉटमेंट में पैसा लेती, तो अलॉटमेंट 3 रुपए का मान लेते हैं, और फिर लेती फर्स्ट कॉल का पैसा, फिर लेती सेकेंड कॉल का पैसा, कभी कभी थर्ड कॉल भी आता है, तो सेकेंड कॉल का पैसा जो भी है, तो कंपनी इस तरीके से पैसा मांगती। मान लेते हैं कि कंपनी ने अलॉटमेंट के वक्त 2 रुपए ज्यादा मांग लिए, यानी प्रीमियम के साथ यानी कि 5 रुपए, तो क्या ये इस लिस्ट में लिखा रहेगा? नो, ये कहीं क्वेश्चन की पहली दूसरी लाइन में लिखा रहता है कि कंपनी हैज बिल्ड इशू ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 15 रुपीज या फिर एट 12 रुपीज एंड दे विल कॉल दैट 2 रुपीज ऑन द अलॉटमेंट, ऐसा कहीं ना कहीं मेंशन होता है। यानी कंपनी ने अगर 10 का शेयर 12 में बेचा है तो 2 रुपए का एडिशनल पैसा कहीं ना कहीं वो इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ कॉल करती है, मतलब इसकी टोटल आपकी 12 रुपए आनी चाहिए अगर 12 में बेचा है। यानी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 3 नहीं आएगा, अभी यहाँ पे कितना आएगा? 5। तो दोस्तों करके देख लीजिए आप, टोटल पूरे 12 रुपए आ गए, तो कंपनी ने कितने रुपए में शेयर बेचा है? 12 में। तो कंपनी ने 2 रुपए कहां से कहां पे मांगे हैं? अलॉटमेंट के वक्त। यानी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे अलॉटमेंट के वक्त 3 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम। तो दोस्तों अलॉटमेंट की एंट्री में आपको एक छोटा सा स्मॉल सा चेंज करना है, जो मैंने आपको भी सिखाया था, यहां से मैं मिटा चुका हूं। जब मैं अलॉटमेंट ड्यू करता हूं तब एंट्री क्या होती है? 3rd नंबर की एंट्री, एप्लीकेशन के 2 एंट्री के बाद वाली एंट्री, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो इस वीडियो में स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी, उस एंट्री के ऊपर हम फोकस करेंगे। अभी उसमें हल्का सा चेंज क्या होने वाला है?
तो दोस्तों मैं वो थर्ड एंट्री की बात कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पे इस बॉक्स में हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर अलॉटमेंट प्रीमियम पे हुआ तो कैसे है। तो दोस्तों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ डेबिट होगा और पूरे 10,000 शेयर्स, और इस बार 5 रुपए से होगा, 50,000 आएगा। टू, पैसा शेयर कैपिटल का कैपिटल में जाएगा, सबको मालूम है, लेकिन कैपिटल में कितना, जितना कैपिटल का पैसा था। दोस्तों इसमें से प्रीमियम हटा दो तो कैपिटल कितने का था, 3। तो 10,000 × 3 मतलब दोस्तों कितने हजार से हो गया, 30,000 से हो गया। जो प्रीमियम का पैसा था उसको SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से उसको हमको क्रेडिट कर रहे हैं। दैट इज 1,000 × 2 मतलब विल हैव 2,000 इस तरीके से। तो दोस्तों ओवरऑल, सॉरी 20,000 दोस्तों ओवरऑल, नो नॉट 20,000 आई एम डूइंग द मिस्टेक हियर, इट शुड बी 10,000 राइट सर। दोस्तों यहां गलती हो गई थी, 10,000 शेयर्स होने चाहिए थे, 10,000 × 2 दैट इज 20,000। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि मैंने 5 रुपए जिसमें 3 रुपए कैपिटल और 2 रुपए प्रीमियम था, इस तरीके से एंट्री को ड्यू कर दिया। रिसीव्ड करते वक्त क्या होगा, ये तो ड्यू एंट्री होगी। रिसीव्ड करते वक्त दोस्तों सिंपली हमको क्या करना है, तो हमको जितना पैसा मिला मान लेते कि पूरा ही पैसा मिल गया अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट आपका ड्यू कितने से हुआ था दोस्तों, 50 से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और पूरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है 50,000 से। तो इस तरीके से हमको सीखना है दोस्तों। ये था प्रीमियम केस, आई होप कि आपको समझ गया होगा। अब आते हैं एडवांस कॉल। एडवांस कॉल की ट्रीटमेंट कैसी होती है, एडवांस कॉल कहां एडजस्ट करना है, राइट। दोस्तों क्या होता है, बहुत बार जब आप लोग एप्लीकेशन का पैसा मांगते हो, आप फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हो, आप अलॉटमेंट का पैसा मांगते हो, राइट, तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि कुछ कुछ शेयर होल्डर कभी कभी क्या कर देते हैं, आपको एडिशनल पैसा पे कर देते हैं। यानी आपने मांगा था उसको फर्स्ट कॉल, उसने भर दिया फाइनल कॉल, तो फिर अभी इसकी एडजस्टमेंट होगी कैसे, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आपको सिखाता हूं। मान लेते कि हमारा एक बंदा जो है, एक बंदा जो मिस्टर एक्स है, 1,000 वाला, बीच में उसने पैसे नहीं भरे थे, अब मान लेते कि बंदा बहुत रईस है और इसने काफी पैसे भर दिए, राइट। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यानी इसको मांगा था हमने फर्स्ट कॉल, भर दिए सेकंड कॉल, यानी फर्स्ट भी भर दिए सेकंड भी भर दिए, पूरा एक साथ भर दिए, बोले भैया हमको अभी झंझट नहीं होना तो मैंने एडवांस भर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे छोटी सी प्रिकॉशन एडवांस कॉल नाम के अकाउंट की लेनी है। अब वो क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में सोचते हैं। याद रखिए हमारे केस में मिस्टर एक्स 1,000 शेयर्स फर्स्ट कॉल के वक्त सेकंड कॉल भी भर दिया, दैट्स द केस, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग एडवांस। तो देखते हैं दोस्तों कैसे एंट्री करेंगे। तो जब हम लोग फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो उस वक्त हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो ये केस तो पूरी कंपनी 10,000 शेयर 10,000 का पैसा मांग रही है, वो तो 10 भी मांगेंगी। मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कॉल है 2,500 का है, तो 10,000 × 2,500 मतलब कितना हो गया बेटा, 25,000 हो गया। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब जब कैपिटल ड्यू होता है, फर्स्ट कॉल ड्यू होता है, तो हम लोग फर्स्ट कॉल को कैपिटल करते हैं, ड्यू करते हैं, तो यही एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों जब पैसा मिला फर्स्ट कॉल का, तो वही मिस्टर एक्स को याद करिए जो सेकंड कॉल भी भर रखा है। तो पहले तो हम फर्स्ट कॉल की बात करते हैं कि जिन्होंने फर्स्ट कॉल भरना था उन्होंने तो भर दिया। तो बैंक अकाउंट जब मैं डेबिट करूंगा तो थोड़ा अवेयर रहना है हमको कि 25,000 रुपए तो मुझे मिलेंगे ही, ये वाले 25 जो फर्स्ट कॉल के ही थे, सिर्फ फर्स्ट कॉल के थे। लेकिन मुझे फर्स्ट कॉल रिसीव करते वक्त एक बंदा है जिसके 1,000 शेयर्स थे, उसने भी दिए हैं, तो 1,000 × सामने वाला कॉल यानी 2,500 रुपए का, क्योंकि सेकंड कॉल भी 2,500 का था, तो उसने 1,000 × 2,500 यानी 2,500 फर्स्ट सेकंड कॉल के भी दे दिए, जबकि मुझे फर्स्ट कॉल के 25 मिलने चाहिए थे, तो मिल रहे हैं, साथ में मुझे सेकंड कॉल के 2,500 भी उससे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब उस हिसाब से 27,500 मुझे मिले। तो दोस्तों मैं क्या बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 27,500 से, बड़े। दूसरा, फिर मैं क्रेडिट करते वक्त क्या करूंगा दोस्तों, फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दूंगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, और याद है 25,000 से होगा क्योंकि यहां डेबिट 25 से हुआ था, फर्स्ट कॉल 25 का था, 25 का है और 25 से होगा। लेकिन जो एडवांस कॉल था वो उसको हम यहां पे शो करेंगे कॉल इन एडवांस, तो उसको हम लोग यहां पे सेपरेटली पैसे को यहां दिखाएंगे और वो भी 2,500।
मतलब 27,500 है, 27,500 की कैलकुलेशन में 25 फर्स्ट कॉल का था और 2,500 अगले कॉल का था, इसलिए इसको नाम क्या दिया, कॉल इन एडवांस, यानी अगला कॉल अभी से मिल गया, तो दैट वी मेक इट फंड, और फंड हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो फिलहाल तो ये फंड है जब तक कि सेकंड कॉल ड्यू नहीं होता। अब दोस्तों ये एडवांस कॉल जो मिल चुका है इसको अभी सेकंड कॉल में एडजस्ट कैसे करेंगे, तो अभी हम सेकंड कॉल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अभी ध्यान दे दो, सेकंड कॉल के अंदर हम क्या करेंगे, जब आप सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो आपने कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सेकंड कॉल ड्यू करना है, यानी सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट कितने से, पूरे 10,000 से। बोलिए राजेश सर आपको तो पैसा पहले से मिल गया है, तो फिर आप पूरे शेयर के ऊपर में 2,500 रुपए 10,000 शेयर पे क्यों ड्यू कर रहे हैं, एडजस्ट करके ड्यू करो। नो दोस्तों, ड्यू का मतलब क्या होता है, कैपिटल में ट्रांसफर करना है, और कैपिटल में तो पूरे पैसे ट्रांसफर होंगे, जितने शेयर्स थे और जो रेट था उतना पैसा उसी वक्त कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, आपको एडवांस यहाँ एडजस्ट नहीं करना है, एडवांस आपको कॉल रिसीव करते वक्त करना है, कॉल रिसीव करते वक्त, क्योंकि रिसीव करते वक्त आपको 2,500 रुपए कम मिलेंगे, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं रिसीव करते वक्त, याद रखना ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं ड्यू कर रहा हूं, तो सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पूरा 25,000 से ही होगा, ड्यू करते हो 25,000 से ही होगा, तो फिर एडजस्ट कब होता है, एडजस्ट अब होगा जब मैं पैसा रिसीव करूंगा। तो दोस्तों देखो, अब जब सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा तो एक बात तो क्लियर है कि अब आपको 25 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 25 में से यानी इन 10,000 शेयर में से कुछ पैसा ऑलरेडी यानी कि इधर लास्ट कॉल में एडवांस में मिल चुका था, तो क्या अब ये 25 आपको मिलेगा, नो। अब आपको इस 25,000 में से 2,500 लेस करने बचा हुआ पैसा आपको मिलेगा, मतलब बैंक डेबिट होगा 22,500 से, क्योंकि 2,500 से ढाई कट जाएगा क्योंकि ये मिलने वाला नहीं है। तो फिर दिखाते वक्त तो ऐसे ही दिखाना है अपने को कॉल इन एडवांस। दूसरे कॉल इन एडवांस अकाउंट जो आपने क्रेडिट कर रखे थे इसको क्लोज करना है, क्योंकि वो एडजस्ट हो रहा है, तो क्रेडिट है तो उसको डेबिट करेंगे, बड़े तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों मैंने इसको कैंसिल कर दिया, यू गॉट इट, इस तरीके से होगा। अब यहां क्रेडिट क्या करेंगे, फिर सेकंड कॉल, तो दोस्तों हम सेकंड कॉल को यहां क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 25,000 से, मतलब सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 25 से होगा तो क्रेडिट भी तो 25 से होना चाहिए ना, आफ्टर एडजस्टिंग योर एडवांस, दैट मींस वी हैव टू एडजस्ट द एडवांस लाइक दिस, क्रेडिट था डेबिट कर दो, एडवांस एडजस्ट हो गया। अब दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि सर इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, देखो दोस्तों इंटरेस्ट होता है नो डाउट, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आज तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे पूछो इंटरेस्ट की एंट्री क्या है, तो मैं बोलूंगा एडवांस कॉल के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है 12% एज पर टेबल ए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 12% आपको देना है, और कॉल इन एरियस यानी कि आपको किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है दोस्तों, और उसके ऊपर 10% चार्ज करना है, एडवांस के ऊपर यानी जो आपने एक्स्ट्रा ले रखे है एडवांस में उसको 12% देना है, महीने के हिसाब से 12% साल का होता है, अगर 2 महीने का एडवांस यानी कि एडवांस आज दिया है, 2 महीने बाद देना था पैसा उसने आज दिया है, तो उसको 2 महीने का बैच निकाल के देना है 12% के रेट से। अब इसको कैसे देंगे, सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कंपनी के लिए लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड टू शेयर होल्डर अकाउंट, क्योंकि शेयर होल्डर के अकाउंट में डाल दो, ये है आपका लॉस का एंट्री, क्योंकि आपको बैच देना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स, दिस इज व्हाट द ड्यू एंट्री इज अबाउट, फिर उसको पे कर दो शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, ये है इंटरेस्ट एंट्री। अगर कॉलिंग एरियस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना हो तो इस बार वो आपके लिए इनकम हो जाएगा, क्योंकि आपको लोगों ने पैसे नहीं दिए उससे आपको इंटरेस्ट लेना है, तो दोस्तों अभी एंट्री कैसे बनेगी, सिंपल है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट क्योंकि उनसे लेने हैं, और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्योंकि इंटरेस्ट आपका इनकम है, तो दोस्तों ये एंट्री हो जाएंगी इनकम की, और उसके बाद आपको जब मिलेगा तो आप बोलेंगे बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि आपको मिल गया बैंक टू सॉरी नॉट बैंक डेबिट टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर से मिल गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये सब सीखे, इंटरेस्ट के बारे में, प्रीमियम के बारे में, एडवांस के बारे में, कॉल इन एरियस के बारे में, अलॉटमेंट के बारे में, एवरीथिंग।
प्रोराटा के लिए, मैं बार बार आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रोराटा के लिए हम सेपरेट वीडियो में आएंगे, सेपरेट वीडियो में इस प्रोराटा केस को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ कैलकुलेशंस है उसके ऊपर में हम पूरा फोकस करके ओनली एंड ओनली प्रोराटा एडजस्टमेंट विद फॉरफीचर एंड ऑल दैट विल लर्न विद दैट क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसी बनी रही है, बी विद स्टडी वॉलेट ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू and you are one of the good kind of student for us and will oblige to pay attention towards giving service, you know, towards studies. So whatever need you have, if we want something from us, study wallet, just be in the contact, always be remain in the contact with us. Let's look at the free notes in the study wallet application, as well we also have the free videos too. If you want to buy any videos, you can come on the store blog, and in that one you will find some videos at a paid amount, and some notes are also there for the paid amount. If you want it, purchase it. If you don't want it, don't purchase it, but stay with study wallet always for the free videos and free notes. Thank you very much.